अब है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट मान लो एफ और जी कोई भी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं, सच दैट एफ एक्स इज लेस इक्वल टू जी एक्स एफ और जी कोई भी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं और एफ एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू है जी एक्स से इन द इंटरवल ए टू बी वेयर ए क्या है ए इज द ओनली इनफाइनाइट फाइनाइट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ए वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शंस दोनों के दोनों इनफाइनाइट आंसर दे रहे हैं और ए के अलावा और किसी पॉइंट पर ऐसा नहीं है ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी और दूसरी कंडीशन क्या है एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल देन हमें ये रिजल्ट ध्यान में रखने हैं कि अगर जी वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा अगर जी वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तो एफ वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा और अगर एफ वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो जी वाला इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट होगा यहां पर दो केसेस और हो सकते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि उस सिचुएशन में क्या होगा जैसे कि अगर g वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो तो f वाला इंटीग्रल क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते ऐसे ही अगर f वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता तो g वाले इंटीग्रल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते सिर्फ दो चीजें हम कह सकते हैं कि अगर g वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो f वाला भी कन्वर्जेंट होगा और अगर f वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो g वाला इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट होगा सिर्फ हम ये दो रिजल्ट यहां पर कह सकते हैं गिवन कंडीशन क्या है f और g दोनों पॉजिटिव फंक्शंस होने चाहिए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जी एक्स ए फोर x एक्स इन दिस इंटरवल एंड ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ एंड जी एफ और जी सिर्फ ए के ऊपर इनफाइनाइट आंसर दे रहे हैं बाकी सभी जगह पर वो फाइनाइट आंसर दे रहे हैं या बाउंडेड कह सकते हैं हम उनको नेक्स्ट कंपेरिजन टेस्ट है ये सबसे ज्यादा काम आता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कि अगर एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शन है इन दिस इंटरवल ए क्या है ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कटीन्यूटी ऑफ एफ एंड जी और अब कंडीशन क्या है कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट एक्सटेंड टू ए में सपोज आंसर आ रहा है एल और एल जीरो भी नहीं है और इन्फिनी भी नहीं है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट निकाली और जो आंसर आया अगर वो जीरो भी ना हो और इन्फिनी भी ना हो देन ये दोनों इंटीग्रल बोथ इंटीग्रल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर मतलब कि अगर एक इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तो दूसरा भी होगा अगर एक इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा तो दूसरा भी होगा अगर ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट अगर ये डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट अगर ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट और अगर ये डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट मतलब यहां पर सब कुछ इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कब अगर एफ एक्स अपॉन जीएक्स की लिमिट जीरो और इन्फिनिटी के अलावा कुछ और आए तो इसके बाद ये नेक्स्ट रिजल्ट है अगर एफ एक्स अपॉन जीएक्स की लिमिट जीरो आ जाए यहां तो हम कह रहे थे जीरो और इन्फिनिटी के अलावा कुछ और आए तो ऐसा होगा अगर जीरो आए तो क्या होगा अगर इन्फिनिटी आए तो क्या होगा अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट जीरो आ रही है तो क्या होगा जी वाले इंटीग्रल के कन्वर्जेंट होने से एफ वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा चार में से हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि अगर जी नीचे वाला जो जी था उसके इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तो ऊपर वाले फंक्शन का इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते और इसी तरह से अगर इसकी लिमिट इंफिनीटी आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि नीचे वाले जी के इंटीग्रल अगर डाइवर्जेंट है तो f का इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट होगा ऊपर वाले का इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट आ जाएगा बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सबसे ज्यादा ये वाला रिजल्ट हमें काम आता है इसके बाद ये काफी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसी से हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे क्या रिजल्ट है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन वन ये इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वर्जेंट होगा अगर एन की वैल्यू वन से लेस हो फॉर एन इज इक्वल टू वन भी ये डाइवर्जेंट होगा फॉर एन ग्रेटर देन वन भी ये डाइवर्जेंट होगा ये सिर्फ एन लेस देन वन के लिए क्या है कन्वर्जेंट होगा तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि इस लोअर लिमिट के ऊपर फंक्शन इन फाइनाइट आंसर दे रहा है ठीक सो द गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर ये प्रॉपर भी हो सकता है कब देखो अगर ये जो पावर है मान लो जीरो होती तो तो क्या होता समथिंग की पावर जीरो वन तो तो यहाँ बस वन डी एक्स बचता तो तो यहाँ पर कोई इम्प्रॉपर वाली बात ही नहीं बची तो अगर एन जीरो होता तो ये इम्प्रॉपर ना होता ये क्या होता प्रॉपर होता अगर मान लो एन माइनस का होता सपोज ये माइनस टू होता एक्स माइनस ए की पावर माइनस टू तो, तो ये ऊपर की तरफ चला जाता ये बन जाता एक्स माइनस ए की पावर टू अब ए पुट करने पर आंसर इनफाइनाइट आ ही नहीं रहा इसका मतलब अगर एन नेगेटिव हो या एन जीरो हो इसका मतलब एन अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है या तो एन नेगेटिव है या एन इक्वल टू जीरो है उस सिचुएशन में तो ये इंटीग्रल क्या बनेगा प्रॉपर इंटीग्रल क्योंकि उस सिचुएशन में एक्स को ए पुट करने पर आंसर इनफाइनाइट नहीं आएगा इसलिए यहां पर लिखा है फॉर एन लेस देन इक्वल टू जीरो दिस इंटीग्रल इज ए प्रॉपर इंटीग्रल और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा क्या होते हैं कन्वर्जेंट तो हमें सिर्फ कौन सा केस करना है वेन एन इज ग्रेटर देन जीरो जैसे मान लो एन की वैल्यू पांच होती तो ये क्या बनता ये बनता डी एक्स बाई एक्स माइनस ए रेज टू दावर फाइव इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी और x को a पुट करेंगे तो अब ये इनफाइनाइट आंसर दे देगा तो अगर ये पावर पॉजिटिव है तो ये एक इम प्रॉपर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा सो फॉर एन ग्रेटर देन जीरो इट इज एन इमप्रॉपर इंटीग्रल और ए एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा है ठीक है अब एन जीरो से बड़ा है तो उसमें भी देखो तीन चीजें हो सकती हैं जैसे मान लो ये जीरो है ये मान लो वन है हो सकता है एन वन हो हो सकता है वन से बड़ा हो, हो सकता है वन से छोटा हो ठीक है तो अभी तो हम दो केसेस करते हैं कि अगर एन वन नहीं है तो क्या होगा और अगर एन वन है तो क्या होगा ठीक है पहला केस अगर एन वन नहीं है क्योंकि उससे इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी इसकी देखो ये हमारा इंटीग्रल था और a के ऊपर फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे हमने 2.1 पॉइंट एक्सरसाइज में सीखा था इसको हम लिखते थे a प्लस एप्सनल लिमिट एप्सनल टेंस टू जीरो फिर अब इसको हम ऊपर लेके गए इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की ठीक है अब आप सोचो वन बाय एक्स माइनस ए अगर होता उसकी इंटीग्रेशन आती लोग माइनस ए लेकिन अगर वन बाई एक्स माइनस ए की पावर दो है मान लो ठीक है तो इसकी इंटीग्रेशन पहले ये ऊपर जाएगा ये बनेगा x माइनस ए की पावर माइनस दो और इंटीग्रेशन करते हुए प्लस वन और नीचे भी माइनस टू प्लस वन तो इट मीन्स अगर पावर इसकी एक है तो इंटीग्रेशन लोग में आएगी अगर पावर वन के अलावा कुछ हो रहा है तो इंटीग्रेशन अलग आएगी इसलिए हमने इसको वन के हिसाब से इसको सॉल्व किया कि अगर एन वन नहीं है तो इंटीग्रेशन कैसी आएगी अगर एन वन है तो इंटीग्रेशन कैसी आएगी सो so, अगर एन वन नहीं है मान लो ठीक है तो इसकी इंटीग्रेशन आई ये इसमें हमने अपर और लोअर लिमिट्स पुट की फिर अब हमें लिमिट लगानी है लिमिट लगाते हुए भी आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि देखो जैसे मान लो लिखा हो वन बाय ज़ीरो की पावर पाँच कितना बना वन बाय जीरो मतलब कि इन्फिनेटी और एक अगर लिखा है वन बाय जीरो की पावर माइनस फाइव तो ये तो क्या हो गया जीरो की पाँच ये कितना आ गया जीरो इसका मतलब ये मत सोचना कि एक बटे जीरो की कुछ भी पावर कर दो आंसर इन्फिनी ही आएगा नो वन बाय ज़ीरो जीरो की पॉजिटिव पावर है तो इन्फिनिटी आएगा एंड वन बाय ज़ीरो में अगर जीरो की नेगेटिव पावर है तो जीरो आएगा इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है अब देखो हमें यहाँ लिमिट लगानी है यहाँ एब्सिनल नहीं है यहाँ एब्सिनल नहीं है ये तो हो गया फाइनाइट बेसिकली लिमिट लगनी है इसके ऊपर अब एब्सिनल हमने मान लो जीरो लिया वन बाय ज़ीरो की पावर एन माइनस वन अब अगर ये पावर पॉजिटिव है एन माइनस वन अगर एन माइनस वन पॉजिटिव है तो तो ये सिचुएशन बनी ये वाली उस आंसर में इन्फिनिटी आंसर आएगा ठीक है तो अगर एन माइनस वन पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी आंसर और अगर ये पावर नेगेटिव होती मान लो ये सिचुएशन होती तो जीरो आंसर आता ये जीरो हो जाता और ये बच जाता ठीक है कब अगर एन माइनस वन नेगेटिव होता तो ये बना अगर एन बड़ा है एक से और ये बना अगर एन छोटा है एक से एन अगर छोटा है एक से तो ये आंसर आया और एन अगर बड़ा है एक से तो इन्फिनिटी आंसर आया ठीक है इस चीज को बहुत इस चैप्टर में हमें ध्यान से समझना है जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी कि वन बाय जीरो की कुछ भी पावर हो तो वो तो इन्फिनिटी ही आएगा नो वन बाय जीरो की पावर माइनस फाइव मतलब कि जीरो की फाइव तो वो कितना आता है जीरो आता है तो इस पावर पर आपको जरूर ध्यान देना है कि ये नहीं बता रखी तो हम केसेस करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा ये जीरो भी तो हो सकती थी पावर एन माइनस वन जीरो भी तो हो सकता था लेकिन उस सिचुएशन में एन क्या हो जाता वन बट हम तो केस ही वो लेके चल रहे हैं जब एन वन नहीं है इसका मतलब ये जीरो तो हो ही नहीं सकता था ये क्या हो सकता था या तो पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो दोनों केसेस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए ठीक सो so, इसकी इंटीग्रेशन फाइनाइट कब आई जब n एक से छोटा है और इनफाइनाइट कब आई जब n एक से बड़ा है तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब हुआ जब n एक से छोटा है और डाइवर्जेंट कब हुआ जब n एक से बड़ा है अब कौन सा केस बच गया डिस्कस करने वाला एन इज इक्वल टू वन क्योंकि लेस देन वन पे पता चल गया ग्रेटर देन वन पे पता लग गया क्या बच गया जिस पर नहीं पता लगा एन इज इक्वल टू वन तो अब हम इस इंटीग्रल में एन की वैल्यू वन पुट करके देखते हैं कि अब क्या आंसर आएगा तो अब हमने एन की वैल्यू वन ले ली यहाँ पर ठीक है अब तो इसकी इंटीग्रेशन पहली बात तो ए के ऊपर फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा है इसलिए हमने लिखा ए प्लस एप्शनल लिमिट epsilon टेंस टू जीरो फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की लोग ऑफ एक्स माइनस ए अपर लोअर लिमिट्स पुट करी एप्सनल को जीरो को अप्रोच किया लोग जीरो कितना होता है माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी इसका मतलब एन इज इक्वल टू वन पर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है और एन ग्रेटर देन वन पे भी डाइवर्जेंट था तो कुल मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट है और लेस देन वन पे कन्वर्जेंट है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर एन लेस देन वन एंड डाइवर्जेंट फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन ऐसे ही यहां पर देखो अगर ये होता b माइनस एक्स की पावर n, अपर लिमिट b के ऊपर फंक्शन इन फाइनाइट आंसर दे रहा है तो भी रिजल्ट यही रहता कि दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओन लिफ एन इज लेस देन वन x माइनस ए हो चाहे b माइनस एक्स हो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होंगे इफ एंड ओनली इफ जो इनकी पावर है वो एक से कम हो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं देखो हमें इसको चेक करना है सभी को कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो सपोज ये इंटीग्रल है इसको हमने आई नाम दे दिया ये सारा हमारा फंक्शन हो गया वन बाई दिस इंटू दिस ठीक है सबसे पहला हमें चेक करना है कि ये जीरो या वन किसके ऊपर इनफाइनाइट आंसर दे रहा है तो वन पुट करने पर तो इनफाइनाइट आएगा नहीं लेकिन एक्स की जगह जीरो पुट करने पर वन बाई जीरो पॉजिटिव भी है इस इंटरवल में जीरो से वन वाले इंटरवल में एफ जो है वो पॉजिटिव भी है ठीक है अब हमें सोचना है कि हम जीएक्स कितना लें जीएक्स आपको इस हिस्से में से वो वाला हिस्सा लेना है जिसकी वजह से इनफाइनाइट आंसर आया था अब देखो यहां एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये तो वन प्लस जीरो वन बना इसका मतलब इसने तो इनफाइनाइट आंसर नहीं दिया था और यहां एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये वन बाय जीरो होके क्या बना इन्फिनिटी इसका मतलब वन बाय दिस ये वो हिस्सा था जिसकी वजह से एफ इनफाइनाइट आंसर दे रहा था इसलिए हमें जी क्या लेना है हमें जी एफ में से वो वाला हिस्सा लेना है जिसकी वजह से इनफाइनाइट आंसर आया था तो वो हमारा हो गया वन बाय एक्स की पावर वन बाई थ्री फिर जैसे ही हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे तो ये पोर्शन तो हमारा कट जाएगा बचा क्या वन बाय वन प्लस एक्स स्केयर और फिर हमें लिमिट लगानी है एक्सटेंड्स टू जीरो जीरो पॉइंट होता है जिसके ऊपर इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी आई है किस पर आई थी जीरो पर आई थी इसलिए हम लगा रहे हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स को जीरो पुट की आंसर आया वन जो कि जीरो भी नहीं है और इन्फिनी भी नहीं है और फिर हमने ये कंपेरिजन टेस्ट पढ़ा था ये वाला कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट एल आ रही हो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ए क्या है ए वो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा था अगर इसकी लिमिट जीरो और इन्फिनिटी के अलावा कुछ और आती है तो दोनों इंटीग्रल्स का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का बिहेवियर सेम रहेगा तो उस हिसाब से हमने लिख दिया बाय कंपैरिजन टेस्ट एफ इंटीग्रल और जी का इंटीग्रल इन दोनों के इंटीग्रल का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बिहेवियर सेम रहेगा अगर जी वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो एफ वाला भी कन्वर्जेंट होगा अगर जी वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो एफ वाला भी डाइवर्जेंट होगा अब एफ के कंपेरिजन में जी वाला इंटीग्रल ज्यादा आसान है देखना कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो हमने जी वाला इंटीग्रल लिख दिया नाउ ये कन्वर्जेंट है क्योंकि यहां पर जो ये पावर है वो एक से कम है अभी अभी हमने रिजल्ट किया था कि वन बाई एक्स माइनस ए की पावर एन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन वन ठीक है हमारे यहां पर है जीरो हमारे क्वेश्चन में यहां भी क्या है जीरो और एन की जगह लिख रखा है एक बटे तीन और बी की जगह है वन ठीक है एन की जगह लिख रखा है वन बाई थ्री और खाली एक्स लिखा है इसका मतलब एक्स माइनस जीरो और लोअर लिमिट भी जीरो है तो अगर ये पावर एक से कम हो तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा क्योंकि पावर एक बटे तीन है वो एक से कम है इसीलिए जी वाला इंटीग्रल क्या है कन्वर्जेंट और अगर जी वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो एफ वाला इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन एक्स बाई एक्स रेस टू दी पावर थ्री बाई टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू फाइ बाई टू इसको हमें चेक करना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ठीक है इसमें हमने लिखा एफ एक्स तो हमारा जो भी फंक्शन था ठीक है अब देखो साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स की पावर वन बाई टू ये है हमारा एफ एक्स दिस इंटू दिस एक्स की टोटल पावर कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू अब हमें चेक करना है कि ये जीरो पे इनफाइनाइट आंसर देता है या बाई टू पे π बाई टू पे तो कोई इशू है ही नहीं तो इट मीन्स ये जीरो पर इनफाइनाइट आंसर दे रहा है और वो भी ये वाला हिस्सा क्योंकि यहाँ पर आप एक्सटेंस टू जीरो करोगे तो ये वन हो जाएगा और यहाँ पर एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये वन बाई ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा इसका मतलब ये वो हिस्सा है एफ एक्स का जिसमें एक्स को जीरो पुट करने पर इनफाइनाइट आंसर आ रहा था तो एफ एक्स तो हमारा ये हो गया और जी एक्स हम क्या ले लेंगे वन बाई एक्स की पावर वन बाई टू क्योंकि जीएक्स हम वो पोर्शन लेते थे एफ एक्स का जिसकी वजह से फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा था तो ये जी एक्स हो गया फिर हम जैसे ही एफ एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे ये कट जाएगा क्या जा बचा एफ एक्स अपॉन जी एक्स साइन एक्स बाय एक्स ठीक है ये एफ एक्स है ये जी एक्स है एफ एक्स अपॉन जी एक्स किया साइन एक्स बाई एक्स लिमिट क्या लगानी होती है जिसकी वजह से फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा है सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो आंसर आया वन जो कि जीरो भी नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है इसीलिए अगर जी वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तो एफ वाला भी कन्वर्जेंट होगा और अगर जी वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा तो एफ वाला भी डाइवर्जेंट होगा अब हम जी वाला इंटीग्रल देखते हैं जी वाला इंटीग्रल है ये इसमें हमारे पास है एक्स माइनस जीरो की पावर वन बाई टू और क्योंकि ये पावर एक से कम है डेयर फोर्ट जी वाला इंटीग्रल हमारा क्या है कन्वर्जेंट और अगर जी वाला कन्वर्जेंट हो तो एफ वाला भी क्या आ जाएगा कन्वर्जेंट